नाजरीन, आप लोगों के पास सिर्फ एक अदद स्त्री होने चाहिए। स्त्री तो सबके घरों में होती है। अगर आप लोगों के घर में स्त्री है तो फिर आप लोग टी शर्ट्स को प्रिंट करें और टी शर्ट प्रिंट करने के बाद उसको सेल करें और आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। कैसे आप लोग स्त्री से टी शर्ट्स प्रिंट करेंगे, चलिए आप लोगों को ए टू जी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो तरीकाकार है ये एक इंडियन भाई हैं जो आप लोगों को कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास एक ट्रिक है जिसमें सिर्फ 40 रुपए के अंदर मैं इस टी शर्ट के ऊपर चाहे गधे की, घोड़े की, हाथी की, खुद की या फिर किस जगह की, कार की, जो चाहे ना वो तस्वीर बना सकता हूँ। चाहे मेरे फोन के अंदर कोई फोटो है वो डायरेक्टली आ जाएगी मेरे टी शर्ट के ऊपर छप जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, धुलने के बाद जाएगी भी नहीं, ये भी गारंटी है। बहुत ही इजी तरीका है, बच्चा भी अपने घर पर टी शर्ट प्रिंट कर सकता है। बहुत ही आसान तरीका, अब मैं नहीं बोलूंगा कितना आसान तरीका है, अब वीडियो में खुद देख लेना। अभी वीडियो में आगे बढ़े ना उससे पहले यार लाइक का बटन जरूर से दबा देना प्लीज, ओके। और जो भी मेरे भाई लोग नहीं आए हैं या फिर वीडियो को रेगुलरली देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार क्या करते हो किस दुनिया में रहते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ फटाफट से, कर दिया चैनल सब्सक्राइब। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे प्रिंटिंग गाइस, यहाँ पर टी शर्ट प्रिंटिंग का काम शुरू होता है इस पेपर से, इसे बोलते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग पेपर, जो कि मार्केट में जहां पे टी शर्ट प्रिंटिंग होती है वहां पे आपको 20 रुपए में मिल जाएगा बड़े ही आराम से। देखिए कुछ इस तरीके का पेपर होता है। एंड गाइस अगर आपके पास घर का प्रिंटर है, मतलब आपके घर पे प्रिंटर है, तो भाई आप इस प्रिंटर के अंदर प्रिंट कर लीजिए और आपका काम खत्म। अगर प्रिंटर नहीं है तो और 20 रुपए लगेंगे, जैसा कि मैंने बोला था 40 रुपए लगेंगे अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है और ऐसा पेपर नहीं है तो 40 रुपए में टोटल आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या करना, अभी लोड करता हूं मैं हमारे प्रिंटर के अंदर। देखिए मैंने लोड कर दिया है एंड गाइस ये रही मेरी फोटो जिसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, देख लीजिए ये वाली फोटो। और गाइस मुझे सच सच बता दूं, अपनी फोटो वाले टी शर्ट पहनने को कोई भी शौक नहीं है, मुझे थोड़ा सा क्रिंजी लगता है, बट चलो हम आपको दिखा रहे हैं ना, तो यही टी शर्ट मैं प्रिंट कर देता हूँ, मतलब यही फोटो हमारे टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करता हूँ। ये प्रिंट का बटन दबाया मैंने, ये सिंपल से चूज किया पोर्ट्रेट, देखिए ये वाली जो फोटो है अभी प्रिंट हो जाएगी, ओके ये प्रिंट हो जाए। गाइस हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने बोला अगर आपके पास प्रिंटर है तो 20 रुपए का खर्चा इस पेपर का, अगर प्रिंटर भी नहीं है तो और 20 रुपए जोड़ दो, मतलब 40 रुपए में आपका काम हो गया। तो भाई यहां पर अभी हमारा जो पेपर है उसके ऊपर फोटो प्रिंट हो जाएगी। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो हमारी प्रिंट निकलने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जैसे वो प्रिंट निकल आएगी हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाएगा। देखिए जो ये फोटो निकल रही है ये यही वाली फोटो है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो भाई प्रिंट निकल रही है हमारे पेपर के ऊपर। ओके गाइस, तो इस तरीके की फोटो हमने प्रिंट की है। देखिए ये मैंने आपके सामने प्रिंट की, इस वाले पेपर के ऊपर प्रिंट की है, ओके। तो अभी सिंपल सा काम करना ये है कि हमें इसको चिपकाना है हमारे टी शर्ट के ऊपर। वो जो तरीका है ना वो देखने लायक है। देखिए अभी अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइज यहां पर मैंने दो फोटो कुछ इस तरीके की प्रिंट की है भाई, एक तो खुद की प्रिंट की है और एक कार्टून ये डोरेमोन की प्रिंट की है, ताकि आपको पता चल सके कि दोनों अलग अलग फोटो है, दोनों की क्वालिटी जो वो कैसी आती है वो चीज देखने वाली होगी। तो भाई अभी सिंपली हमें करना क्या है, इसको रखते हैं साइड में, हमें चाहिए हमारा टी शर्ट जो हम बाजार से खरीद कर लाए थे। अभी गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला सारी चीजें आपको अपने घर पर मिल जाएगी बड़े ही आराम से, खुद का टी शर्ट जो कि आप खरीद कर लाए हो और ये आयरन भाई आपको इसके ऊपर आयरन करना है और बाद में आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये मैंने इसको कर दिया ऑन और हल्की सी आयरन कर देनी है इसको। देखिए प्रिंटिंग से पहले आयरन करना बहुत जरूरी है ताकि भाई ऐसा है ना दिक्कत ना आए आपके प्रिंटिंग में, ओके। गाइस अभी मैंने हमारे टी शर्ट के ऊपर आयरन कर दिया है, अभी ये बढ़िया से एकदम फ्लैट हो चुका है आप देख सकते हो। और भाई हमारी जो फोटो पहले हम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि भाई ये वाली फोटो जो कि मैं खुद की फोटो है उसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ पहले, ओके। तो यहां से जैसे हम बचपन में स्टिकर नहीं निकालते थे, वो चॉकलेट वगैरह में आते थे, कैंडीज वगैरह में स्टिकर आते थे, उसको जैसे हम निकालते थे उसकी तरीके से यहां से हिस्सा निकालना पड़ेगा आपको। गाइस यहाँ पर बड़ी मशक्कत के बाद ये स्टिकर हमने निकाला है, देखिए
और घबराइए मत, ये आपके हाथों पे नहीं चिपकता है, एक और प्रोसेस बाकी है जिसकी मदद से ये टी शर्ट के ऊपर चिपकता है। तो सिंपली अभी करना क्या है, इसको इस कागज से हटा देना है कुछ इस तरीके से। देखिए बड़ा ही आसान था अभी तो। ये मैंने रिमूव कर दिया हमारा फोटो कागज के ऊपर से। गाइस अभी सब कुछ तैयार है। देखिए ये जो फोटो वो डायरेक्टली आपके टी शर्ट के ऊपर प्रिंट होने वाली है, तो इसको सिंपली यहाँ पर रखते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइस देखिए ये फोटो मैंने यहाँ पर रख दी है जहां पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके अब सब कुछ तैयार है। अब मैं ऐसी सीट यूज करूंगा ताकि जो फोटो है ना हमारे टी शर्ट की बजाय हमारी आयरन पर ना चिपक जाए। ओके तो ये सीट रख दी इसके ऊपर। ओके इसको मैंने कर दिया शुरू। गाइस अभी लास्ट स्टेप है, आपको आयरन चाहिए जिसकी मदद से आपको इसे हीट करना है और फिर आपका काम जो वो खत्म, रेडी आपका टी शर्ट जो वो रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए, पहनने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, जो भी आप करना चाहो उससे। बड़े ही आराम से आपको ये करना है। ध्यान रखना है कि ज्यादा हीट भी ना चली जाए जिसकी वजह से जो प्रिंटिंग है वो बिगड़ सकती है। तो यहां पर मैं बड़े ही आराम से कर रहा हूं ये। और गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो आयरन है ना एक ही जगह पर नहीं रखनी है, इक्वली आपको ऐसे ऐसे घुमाना जाना है, नहीं तो आपकी फोटो जो बिगड़ सकती है और वो चीज फाइनल होगी, मतलब बिगड़ जाएगी पक्का। तो ऐसे ऐसे घुमाइए अच्छे से, नहीं तो भाई आपकी टी शर्ट भी हाथ से जाएगी, आपकी फोटो भी हाथ से जाएगी। देखिए ठीक है, अच्छे से आपको ऐसे ऐसे गाइस। तो अभी मैंने अच्छी खासी आयरन जो इसके ऊपर कर दी है, अभी बारी है चेक करने की हमारा जो काम है वो कैसा हुआ। तो उसके लिए क्या कीजिए, ये जो हमने सीट लगाई है ना उसको हटाइए और गाइस आप देख सकते हो जो मेरी फोटो थी वो हूबहू टी शर्ट के ऊपर जो वो प्रिंट हो चुकी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी हमारा जो टी शर्ट है हमने चिपका कर रखा है टेबल के साथ में, उसको हटा देते भाई, इसलिए चिपकाया था ताकि हिले ना और हमारी प्रिंटिंग जो वो खराब ना हो जाए। ओके देखिए ये हमारी प्रिंटिंग टी शर्ट के ऊपर हो चुकी है और भाई जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। आप देख सकते हो जैसे हमने प्रिंट की ना सेम वैसी की वैसी फोटो यहां पर आ चुकी है। गाइस मुझे तो काफी ज्यादा ये काम पसंद आया और गाइस आपको लग रहा होगा कि ये निकल जाएगी, बट देखिए भाई कितने भी बार दोगे ना ये निकलेगी नहीं, ये वैसे की वैसे बनी रहेगी। गाइस आप इसे कितना भी धोओगे कितना भी यूज करोगे ये निकलने वाली नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको चिपका दिया है हमारे टी शर्ट के ऊपर। अभी भाई दूसरी जो फोटो है ना वो डोरेमोन के कार्टून वाली, उसको भी यहां पर चिपकाते हैं। गाइस यहां पर हमारी दूसरी फोटो का भी जो काम है वो हो चुका है खत्म और ये मैंने प्रिंटिंग कर दी है दूसरी वाली फोटो भी सेम टी शर्ट के ऊपर। और गाइस यहां पर भी इस बार भी काम जो काफी बढ़िया हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये जो फोटो थी जो हमने खुद ने प्रिंट की थी वो अभी टी शर्ट के ऊपर जो चिपक चुकी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और भाई इसे कितना भी यूज करो कितना भी पहनो ये निकलने वाली नहीं है। हाँ आपने टेक्निक जो ना अच्छे से यूज करनी है, अच्छे से आयरन देना है, अच्छा जो मटेरियल का फोटो यूज करना है। देखो ये आगे भी हमने किया है और ये पीछे भी हमने प्रिंट किया है, जो क्वालिटी है दोनों फोटो की काफी बढ़िया आई है। चलिए मैं आपको पहन के दिखा दूंगा ये वाला टी शर्ट कैसा लगता है। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह की प्रिंटिंग जो हमारे टी शर्ट पर हमने की है और भाई काफी अजीब लगता है अपनी फोटो वाली टी शर्ट पहन के घूमना। वैसे दोबारा कभी नहीं करने वालों, ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हमने जो प्रिंटिंग की है वो कैसी दिखती है ना, इसीलिए मैंने पहना है। बाकी देख लो ये प्रिंटिंग हुई है